salvarmi! Tu dovresti aiutarmi! Chi salvi, Lotti? Ma non è così! Purtava! Purtava! Chi salvi, Lotti? Ma non è così! Purtava! Purtava! E lo faccio! Lo faccio! Tutti in alta, lo faccio! Aranda, inizia le ghine! Inizia le ghine! Aranda, inizia le ghine! आज जो यहाँ पे आंदोलन किया गया, देश भर में आंदोलन का आह्वान किया गया, ये बताइए जीशान जी, आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके के कुछ एक आंदोलनों से क्या सरकार की आँख खुलेगी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सरकार जो है वो अंधी बहरी सरकार हो गई है, मगर हमारा काम है आंदोलन करना और उनको बताना कि हमारे किसान भाइयों और बहनों पे क्या बीत रही है। पिछले एक साल से सरहदों पर किसान भाई हमारे जा रहे हैं, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कानून कितने गलत हैं, जो ये काले कानून है। इसीलिए हमने आज ट्रैक्टर रैली निकाली है, ये बताने के लिए कि हम मुंबई जैसे शहर में भी रहकर हमारे किसानों का दर्द समझते हैं, और मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी के साथ है। और आज जो ऑपोजिशन पार्टी ने और सारे ऑपोजिशन पार्टी ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया, उसका पूरा समर्थन देती है मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस, और हमेशा आम आदमी की लड़ाई, किसानों की लड़ाई यूथ कांग्रेस जरूर लड़ेगी। सर, आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार के अगर कारनामे देखे जाए, पिछले एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार है कि किसी भी मांगों को लेकर कोई सुनवाई करने तैयार नहीं। बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसान खुद ये कानून नहीं चाहते हैं, तो आप कौन होते हो किसानों पर ये कानून थोपने के लिए? तो इसीलिए हम सब मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये बात, हमारी आंदोलन, हमारी आवाज़ गूंज के नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचे और वो फैसला लेवे किसानों के हित में। जी जीशान जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक आला अधिकारी दिल्ली में बैठकर कहता है कि किसानों का सर फोड़ दें, तो ये कितने हद तक सही है, और सरकार खाना पूर्ति के लिए उसके ऊपर कार्रवाई बिठाती है? भाई साहब, उसने आज के देश के, हमारे देश के किसानों की ताकत नहीं देखी है। अगर किसान घर पे बैठ जाए ना, तो ये जो सर फोड़ने वाली बात कर रहा है, उसको घर पे खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए किसानों की आदर करना बहुत ज़रूरी है, और हम महत्व जानते हैं किसानों का, और इसीलिए हम आज सड़कों पर हैं हमारे किसान भाई और बहनों के लिए। बिल्कुल। ये थे जीशान सिद्दीकी, जिन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा की है कि जिस तरीके से देश भर में साल भर से जो है दिल्ली में जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार है कि कहीं ना कहीं उनकी किसी बात पे भी ध्यान नहीं दे रही है और ना सुनने के लिए तैयार है। उसी के चलते भारत बंद का जिस तरीके से आह्वान किया गया, उस लिए जो है मुंबई युवक कांग्रेस के द्वारा जीशान सिद्दीकी के नेतृत्व में जो भारत बंद का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कैमरामैन शफीक साठवीलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।